Welcome to my channel Science with Mousmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science Class 8, Chapter 15, Part 2, Some Natural Phenomena. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it. Press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start Part 2 of the chapter, Some Natural Phenomena. Natural phenomena kya hai? The phenomenon which is occurred by nature. It means it's beyond human control, but we can take some safety measures so that you can protect us from the destructive effect of that natural phenomenon. तो फिर natural phenomenon क्या है? ये हमने पहले first part में भी बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो phenomenon nature के द्वारा संगठित होता है और ये human control के बाहर है. ये कब होगा, कहाँ होगा, ये हमको हमारी control में नहीं है. तो फिर हमको क्या करना है कि इससे होने वाली जो लॉसेस है इससे हम खुद को कैसे बचाएं और हमें जाने कि ये नेचुरल फिनोमेना जो है ये कैसा है, क्या है. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू नेचुरल फिनोमेना. वन इज लाइटनिंग, अनदर इज अर्थक्वेक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. ओके, तो लाइटनिंग क्या है ये हमने पढ़ा कि लाइटनिंग है, इट इज कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स. एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड, क्लाउड में बहुत सारे चार्जेस एक्युमुलेट हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है और उसी की वजह से ये होता है. तो फिर आइए डिटेल में पढ़ते हैं आगे क्या होता है. द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. ओके, इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग. तो हमने इससे पहले पार्ट वन में देखा कि रब करने से, घिसने से कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है और ये चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस. तो ये देख रहे हैं, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस, कुछ नेगेटिव चार्जेस, कैसे लेयर लेयर होकर है. ये क्लाउड है, ये धरती है. तो फिर इसमें क्या होता है, यू लर्न्ड इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड. तो जब एक थंडरस्टॉर्म आता है, डेवलप होता है, उस टाइम में क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जो कि सॉइल से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, वो बहुत गर्म हो जाता है. द एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स और वो ऊपर की ओर जाने लगता है, क्योंकि जब वो गर्म हो जाता है, वो लाइट हो जाता है, लाइट होगा तो वो ऊपर की ओर जाने लगा, जो हैवी है वो नीचे की ओर आता है. तो फिर वो गर्म होके द एयर थंडरस्टॉर्म के टाइम में एयर करंट्स मूव अपवर्ड, ठीक है, व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड. तो इससे क्या होता है, बारिश हो जाता है और बारिश ऊपर से नीचे आता है, ये हम सब जानते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड, दीज विगरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर जो गर्म हवा जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर हमारे ड्रॉपलेट्स, बारिश हो रहा है. तो फिर ये एक मूवमेंट हो रहा है ना, इससे क्या होता है, चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा और सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है. कैसे कैसे रहते हैं भाई, ये प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड. द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड. आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, द पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेटेड अपर एज ऑफ द क्लाउड और नीचे क्या होता है, एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट नियर द लोअर एज, उसका लोअर एज में यानी कि नीचे हिस्से में नेगेटिव चार्जेस होता है, नियर द एंड लोअर एज देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो. तो फिर ये देखिए ग्राउंड, ये पेड़ पौधे है, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड के ठीक ऊपर हमको दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिव चार्जेस. तो क्लाउड के पूरा ऊपर में रहा पॉजिटिव, ग्राउंड के पास रहा पॉजिटिव, बीच में रहा नेगेटिव. ओके, तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्युमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, तो फिर क्या होता है, अब लाइटनिंग कैसे होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्युमुलेटेड चार्जेस, ये दो चार्जेस है ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है. तो अगर ज्यादा हो जाए, सपोज आप एक पॉलीथिन में बहुत पानी पकड़े हो, बहुत सारे पानी, तो फिर उसके कैपेसिटी से बाहर हो जाए तो क्या होगा, पॉलीथिन फट जाएगा ना और पानी बह जाएगा. ऐसे ही होता है, आपको पता है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, तो फिर नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन एयर व्हिच इज नॉर्मली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में
एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रवाहित नहीं होता है. इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, पर ये इतना सारा चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है कि एयर और अपनी बस में नहीं रहता और ये चार्जेस ये फ्लो करने लगते हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, क्योंकि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो उनमें और रेजिस्टेंस नहीं रहता, दूरियाँ नहीं रहता. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मीट, ये एक दोनों को मीट करते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. इससे बिजली चमकती है और फिर घड़घड़ी भी होता है, बहुत जोर से साउंड होता है. इसे स्ट्रीक्स एस लाइटनिंग, तो हमको ये देख रही हैं ऐसे लाइटनिंग का स्ट्रीक दिखता है. और द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इसको हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ओके क्लियर, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स. ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ ये दो क्लाउड के बीच हो सकता है और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, क्लाउड और अर्थ के बीच हो सकता है. ओके, टुडे वी डिड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड. आज हमको पता चल गया है कि ये लाइटनिंग क्या है और हमारे पूर्वजों जैसे डरते थे कि ये गढ़ की रात है, ऐसा सब जब गढ़ एंग्री होते हैं ये सब होता है, अब हम ऐसे नहीं डरने वाले क्योंकि हमें पता चल गया है ये एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस है. तो टुडे वी डिड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेनन, आपको भी समझ में आ गया है. साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, तो फिर साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर और भी रिसर्च कर रहे हैं आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पर ये बात तो सच है कि जब भी ये बिजली चमकती है क्या होता है, ये हमारे लाइफ को अगर आपको छू जाए ना तो आपकी जान चली जाएगी. और ऐसे बहुत सारे, अगर पेड़ पौधों को लग जाए तो पेड़ पौधे भी जल जाते हैं, तो फिर हम इसके ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से खुद को बचाए कैसे. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, इसीलिए हम खुद को कैसे बचा रखे इसके लिए कुछ टिप्स दिया गया है. ये देखिए 15.6 लाइटनिंग सेफ्टी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. ये लाइटनिंग और घड़घड़ी के टाइम में हम बाहर जगह रहना, खुले आसमान के नीचे रहना हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है. तो फिर हम क्या करें, हमको क्या क्या करना है. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस, हम थंडर सुनते ही हम जल्दी ही एक सेफ प्लेस में दौड़ के चले जाएंगे. और हाँ, सेकंड पॉइंट है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. तो फिर ऐसे सुनते ही आप चले जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा ऐसे लगातार होता रहता है, तो सुन के थोड़ी देर रुकना है कि कहीं नेक्स्ट वाला थंडर और बिजली तो नहीं शुरू हो रही है. फिर थोड़ी देर रुक के हमको सेफ लगे तो हम जल्दी से सेफ प्लेस को जल्दी से दौड़ के चले जाएंगे. ओके, तो फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, तो कौन सा वो सेफ प्लेस है हम जाएंगे ये हमको चूज करना है. और हम कैसे चूज करें, क्योंकि इस टाइम में हम जंगल में हो सकते हैं, हम रास्ते में हो सकते हैं, हम घर के अंदर हो सकते हैं, तो बिजली से हम खुद को कैसे बचाएं. अगर ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस, अगर हम घर के अंदर है, अरे आप चिंता मत कीजिए, आप तो बिल्कुल ही सेफ हो. इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. ठीक है, अगर आप घर में नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं, फिर भी आपको चिंता नहीं है, आपको बस एक ही चीज करना है. क्या करना है, विंडोज और डोर्स को खुला मत रखिए, उसको बंद ही रखिए. ओके, तो आगे देखते हैं डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब ये थंडरस्टॉर्म होता है हमको और क्या क्या करना है. हम सपोज हम घर में नहीं है, आउटसाइड है, तो अगर हम बंद कार या बस में भी नहीं है, ओपन व्हीकल में है, जैसे कि मोटर बाइक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, इसका तो कवर नहीं होता ना, हमारे सर खुले आसमान के नीचे होता है, इट इज क्वाइट एक्सपोज टू लाइटनिंग. ओके, एंड देयर इज द चांसेस वी मे गेट अटैक बाय इट. सो हमको क्या करना है, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, जब कार ओपन होता है उसका कोई छत नहीं होता है तो फिर वो कवर्ड नहीं है, तो फिर वो सेफ नहीं है. ओपन फील्ड्स और ट्रीज शेल्टर्स इन पार्क्स एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स,
अगर हम ओपन फील्ड में है, बहुत ऊंची ट्री के नीचे है, और पार्क में है, या फिर किसी ऊंचे जगह, जैसे आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गए हो या फिर ऐसे एलिवेटेड प्लेस किसी पहाड़ के ऊपर उस दिन चढ़े हो, इसी टाइम में लाइटनिंग होता है, तो फिर हम तो सेफ नहीं है। क्या करना है हमको? कैरिंग एन अम्ब्रेला इट्स नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अरे बारिश होता है तो हम क्या, खुद को बचाने के लिए अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं, पर याद रखिए थंडरस्टॉर्म के टाइम में अम्ब्रेला सेफ नहीं है, और इसमें अगर वो मेटल का डंडा लगा है ना, तो फिर वो और भी सेफ नहीं है। तो फिर कभी कभी आप देखे होंगे अम्ब्रेला में कैसे लकड़ी का डंडा लगता है, वो सेफ है क्योंकि वो सब बैड कंडक्टर हो गया, पर अगर मेटल का लगा है तो बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके, इट इज ए फॉरेस्ट, टेक शेल्टर्स अंडर सर्ट्री इफ इन ए फॉरेस्ट। अगर आप जंगल में है तो आपको क्या करना है, छोटे से छोटे पौधे पेड़ को आप चूज कीजिए और उसके नीचे ही रहना है, क्योंकि बड़ा पौधा टॉल हुआ ना तो आपके लिए सेफ नहीं है। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर आप ओपन फील्ड में है तो ट्रीज अवॉइड कीजिए, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर। अगर आप किसी बड़े पोल के नीचे है ना, तो फिर आप जल्दी से वहां से चले जाइए, क्योंकि ये पोल जो है ये बहुत ऊंचा है, टॉल है, तो फिर ये आपके लिए सेफ नहीं है। मेटल ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आप जमीन पे भी लेटे मत रहिए, इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड। आप ऐसे नीचे होकर रह सकते हैं पर पूरा लेट मत जाइए, देखिए कैसे फिगर करके आपको रहना है, इसी पोस्चर में रहना है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। आप देख पा रहे हैं वो अपनी सर को भी ऊंचाई पर नहीं रखे, उसको कैसे नीचे करके रखे हैं, और प्लेस योर हेड बिटवीन द हैंड्स, दोनों हैंड को ऐसे फोल्ड करके उसके बीच में अपना सर रखिए। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, तो ऐसे में आपको थोड़ा कम चांस है उसका बिजली से कुछ क्षति बनने का। तो फिर इनसाइड द हाउस, घर के अंदर आपको कैसे रहना है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, अरे टेलीफोन का कॉर्ड होता है ना, तो फिर वो भी डेंजरस है, उसी में से भी आपको बिजली लग सकती है। रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विथ दिस शुड बी अवॉइडेड, तो हमको डिश वायर हुआ, आपके केबल कनेक्शन है तो फिर उसको भी, ये भी सेफ नहीं है। ऐसे हमारे अगर लैंडलाइन है तो फिर वो भी सेफ नहीं है। हाँ, ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विथ दिस शुड बी अवॉइडेड, इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन कुछ हद तक हमारे लिए सही है, एंड कॉर्डलेस फोन, कॉर्डलेस फोन जिसका यानी कि वो कनेक्टेड नहीं है वायर से, वो भी सेफ है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. पर आप ऐसे लोगों को जिसको आप फोन कर रहे हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि उसका फोन भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। वो अगर वायर वाला फोन हुआ, लैंडलाइन हुआ ना, तो फिर उसको भी तो डर है, क्योंकि वो अगर वो पकड़ लेगा तो उसको डर है। Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. इस टाइम में बाथिंग सेफ नहीं है, क्योंकि बाथिंग अगर आपका वाटर टैप कनेक्शन है, बाल्टी में से पानी ना आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वाटर टैब में से अगर टैब में पानी आ रहा है तो आप सोचिए वो पाइप कहाँ से आ रहा है, आपके घर के सबसे ऊंचाई में है ना टैंकियाँ, तो फिर उसी से आ रहा है, तो फिर वो सारे तो कनेक्टेड है, तो फिर वो भी सेफ नहीं है, समझे ना। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग, जो भी हम प्लॉग्ड होके रहता है जैसे कंप्यूटर्स हुआ टीवी हुआ, तो उसको अनप्लॉग कर दीजिए, डिटैच कर दीजिए इलेक्ट्रिक पॉइंट से। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, पर आप अगर इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट वगैरह जलाना चाहते हैं तो वो सेफ है, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइटनिंग कंडक्टर्स, तो फिर ये लाइटनिंग कंडक्टर्स मतलब क्या है। लाइटनिंग कंडक्टर्स इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है, ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं उसके ऊंचाई में कैसे लगा है, लाइटनिंग कंडक्टर लिखा है ना, तो फिर ऐसे बिल्डिंग्स में ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। और ये कैसा होता है, ये एक मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग्स, ये एक मेटालिक रॉड होता है जो कि बिल्डिंग से भी और टॉल होता है। आप देख पा रहे हैं ये जो बिल्डिंग है उसका ऊपर में ये लगाया गया है ना, बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचाई पर लगाया गया है,
One end of the rod is kept out in the air and the other end buried deep in the ground. उसका एक हिस्सा एयर में एक्सपोज रहता है और उसका दूसरा हिस्सा जो हमको नहीं दिख रहा है वो सीधा नीचे जाएगा, देख रहे हैं, सीधा नीचे जाएगा और ये अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं ना, कपर प्लेट, तो फिर इसी के अंदर ये अर्थ के अंदर घुसेगा, तो फिर यहाँ से जो आता है बिजली का करंट अगर यहाँ लग जाए तो फिर ये सीधे उसका अर्थिंग कर देगा और ये हाउस को और आपको बचा देगा लाइटनिंग से, ओके। तो फिर ये हमको घर को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। One end of the rod is kept out in the air and the other end buried in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric charge to the ground. और इसी से क्या होता है, ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होके वो फिर ग्राउंड में चला जाता है। आप अर्थिंग पढ़े हैं ना, तो फिर यही होता है। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent. तो फिर ये सब भी हमको द मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो मेटल कॉलम्स होता है और इलेक्ट्रिकल वायर एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। उसके और भी ये बिजली प्रवाहित होता है पर हाँ आप उसको छुइए मत नहीं तो आपको लग जाएगा, ओके। इसी के साथ हमारी ये लाइटनिंग वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक क्या है, कब होता है, तो फिर लेट्स स्टार्ट। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, हमने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स, क्लास 7 में हमने साइक्लोन के बारे में भी पढ़े हैं। दिस नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अरे ये हमारे धन जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फॉर्चुनेटली दिस फिनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। पर आप चिंता मत कीजिए, अब अर्थक्वेक के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें पहले से मिलने लगा है पर एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कौन सा टाइम में आएगा। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट ए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन द एरिया, तो थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग एरिया में वेदर डिपार्टमेंट वाले हमको कुछ हद तक ये बोल सकते हैं कि गड़गड़ी के साथ बारिश होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इफ ए थंडरस्टॉर्म अकर्स, 24 घंटा के अंदर कितना बारिश होने वाला है, आजकल तो आप गूगल में देखें तो फिर 7 डेज का भी बता देता है कि आपका वेदर फोरकास्ट कर लेता है कि कब बारिश होने वाला है 24 घंटा के बाद, 48 आवर्स के बाद। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हम कौन सा काम कौन से दिन में करेंगे, कुछ हद तक शेड्यूल कर सकते हैं। इफ ए थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स एकम्पेनिंग इट, कि थंडरस्टॉर्म होता है तो इसके साथ साथ जैसे लाइटनिंग और साइक्लोन होने का भी तो कुछ चांसेस रहता ही है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फेनोमेना, थंडरस्टॉर्म आने वाला है ये अगर हमको कोई बता दे तो हमको कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है कि अरे हाँ साथ में बिजली भी कड़केगा और साइक्लोन भी हो सकता है और हम खुद को बचा सकते हैं। तो फिर ये तो गई अर्थक्वेक में, और क्या क्या हम कर सकते हैं चलिए देखते हैं। देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फेनोमेना व्हिच वी आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, ऐसे एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि हम एक्यूरेटली कब होगा ये नहीं बता पा रहे। इट इज एन अर्थक्वेक, आपको भी पता है कब कहाँ आ जाता है, ये तो होने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ शुरू हुआ था, इसका एपिसेंटर कहाँ पर था, ये कितना प्रभावी था, ये होने के बाद पता चलता है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल, बस कुछ ही सेकंड में ये हमारा इतना डैमेज कर जाता है कि आप पूछो मत। तो ये मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड टंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, ऐसे ही एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था 2005 में अक्टूबर 8 में, कहाँ पर आया था, उरी। उरी आपको पता है ना हमारी सीमा में जो कि पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, उरी पिक्चर तो आप देखे होंगे, तो फिर वो हमारी सीमा में होता है एंड टंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में ये होता है। बिफोर दैट मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और 2001 में जनवरी 26 में जब सारे परेड पर लगे थे 8 o'clock
अहमदाबाद गुजरात एरिया में, अहमदाबाद में भूज में आया था, ये सबको पता होगा ना। अरे हम भी इसी टाइम में अहमदाबाद में ही हमारा ट्रांसफर था, तो फिर हमारा उसी जगह पर पोस्टिंग था मेरे हस्बैंड का, तो फिर हम लोग भी वहाँ पर थे। पर लकीली उसी दिन हम लोग बेंगलोर पे थे, उसी दिन पर्टिकुलरली। तो फिर हमको तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह याद है। तो ऐसे अर्थक्वेक आता रहता है। एक्टिविटी 15.5, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक, कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज। तो फिर हमको ये देख रहे हैं आप चित्र, तो फिर इससे बहुत भयानक। हमारे पास एक अपार्टमेंट था जिसमें 70 फ्लैट्स थे, तो फिर वो ऐसे हो गया था। और बाद में सारी कार्स वो सब वगैरह, बड़े बड़े कंपनी के कार, मर्सिडीज होंडा कंपनी का, वो सारे कार वगैरह ऐसे पिचक के पड़ा था जैसे कोई खिलौना का हो। ओके तो कॉस्ट पैदी जाते फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ दो स्टेज। अगर उस जमाने की आप न्यूज़पेपर वो सब वगैरह निकालेंगे तो आप, या फिर अपने पेरेंट्स को पूछ के इसके बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक। अरे हाँ, मेरे को अब याद आया कि हमारे बिल्डिंग में भी, हमारे अपार्टमेंट में भी क्रैक आ गया था। हमारा फोटो स्टैंड, टीवी के ऊपर हम फोटो सजा के रखते हैं ना, फोटो फ्रेम, तो फिर वो नीचे गिर गया था। ऐसे छोटे मोटा छोटा मोटा हुआ था वो, लगभग बहुत सारे बिल्डिंग्स में क्रैक आ गया था। और बहुत सारे बिल्डिंग्स तो क्रैक हो, क्रैक नहीं पूरा स्मास हो गया था। हम फिर बाद में वो देखने गए थे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? तो ये अर्थक्वेक आखिर है क्या? व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स? जब यह होता है तो फिर एक्सपीरियंस कैसे रहता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? तो फिर इसकी जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, हमको ध्वंस कर देने वाली जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उससे हम खुद को बचाए कैसे? देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी शैल डिस्कस बिलो। तो आइए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, ताकि आप इसमें से कुछ अपना नॉलेज को यूज कर सके राइट टाइम में। एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ व्हिच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो फिर अर्थक्वेक जो है, ये हमारी पृथ्वी हिलता है इसमें, एंड ये कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, एग्जिस्ट करता है। इट इज कॉज्ड बाय ए डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो फिर ये किस लिए होता है? डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस में ये होता है। आइए देखते हैं। अभी तो यहाँ पर अच्छा सा एक पिक्चर भी बना हुआ है। अर्थ क्रस्ट में कुछ डिस्टरबेंस होता है। अर्थ क्रस्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र बना गया है 15.9, आप देख रहे हैं पूरा सबसे ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। उसके नीचे आ गया मंटल, उसके नीचे आउटर कोर, और उसके नीचे ये है इनर कोर। ये है इनर कोर, ये हुआ क्रस्ट। क्रस्ट कहाँ पर है? सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट। तो फिर इसी में डिस्टरबेंस होता है, तभी जाकर ये होता है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। अर्थ पे ये होता रहता है, कहीं पर भी किसी टाइम आ जाएगा। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। और कभी कभी तो ये होकर चला भी जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता। हमको तो अर्थक्वेक तभी पता चलता है जब इसका वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। अब हम जो अर्थक्वेक्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे वो सब मेजर, बहुत बड़ी पैमाने पे था, और मच लेस फ्रीक्वेंट, और ये इतना जल्दी जल्दी नहीं होता। छोटा छोटा जो आपका वो होता रहता है। दे कैन काज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। तो फिर इसमें बहुत सारे डैमेजेस होता है, जैसे कि हमारी कई बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब टूट फूट जाता है, क्रैक आ जाता है। तो दे आर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ऐसे में हमारे धन जीवन नष्ट होता है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लॉड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। अरे अर्थक्वेक की साइड इफेक्ट्स भी है, उससे क्या होता है पता है? फ्लॉड्स आ जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाता है, भूस्खलन बोलते हैं ना। तो फिर पहाड़ के ऊपर के हिस्सा से बहुत बहुत बड़ी बड़ी पत्थर नीचे गिरने लगता है, तो फिर नीचे जो लोग जा रहे हैं वो लोग को सेफ नहीं होगा ना, रास्ता आधे दूर कट हो जाता है। और सुनामी जैसे और भी बड़ी बड़ी चीजें हो जाता है। ए मेजर सुनामी अकड़ इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर ह्यूज लॉसेस। तो फिर सुनामी क्या है?
तो सुनामी जब के बारे में बोलेंगे तो हमको 2004 दिसंबर 26 की बात जरूर याद आएगी। ये कहाँ पर आया था? इंडियन ओशन में आया था, और इसमें भी कोस्टल एरिया का बहुत धन जीवन नष्ट हुआ था। एक्टिविटी 15.6, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लुक एट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया। तो फिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट में जो है अंडमान निकोबार आइलैंड को आप देख सकते हैं। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन हुज कुड ऑल्सो सफर डैमेज। तो फिर इंडियन ओशन में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज इसके वजह से सफर किए थे, हुज कुड हैव सफर डैमेज। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। आप आसपास लोगों को पूछ के, अपने मम्मी पापा को पूछ के इसके बारे में ऐसे बहुत से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। माय ग्रैंडफादर टोल्ड दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न एन अर्थक्वेक टेक्स प्लेस। हाउ कुड इट बी ट्रू? देखा, जब लोगों को पता नहीं था ना अर्थक्वेक क्या है तो फिर ऐसे तरह तरह की कुछ भी कहानी बना लेते थे। जैसे मुझे तो बोल रहा है कि उसका ग्रैंड मदर बोलते हैं कि एक बुल का हॉर्न में हमारे पृथ्वी टिका हुआ है, जब एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न को वो शिफ्ट करता है बुल, तब ये अर्थक्वेक होता है। कितनी अजीब बात है ना। तो फिर अब तो आप ये बात अपनी पोता पोती को नहीं बताओगे। हाँ, आपको पता चल गया है, नॉलेज इज लाइट। ओके, इन एंशियंट टाइम्स पीपुल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पहले के जमाने में लोगों को पता नहीं था कि ये अर्थक्वेक होता क्या है और उसका कारण क्या है। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन माइथिकल स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय भुजोस ग्रैंडमदर। इसीलिए वो लोग ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी बना के बोलते थे। सिमिलर माइथ्स वर प्रिवेलेंट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर ऐसे ही अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी और सारी स्टोरीज है। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. अब हमको पता चल गया है कि हमारा outermost layer जो है उसको crust बोलते हैं और उसमें disturbance होने से ये earthquake होता है। The outermost layer of the earth is not in one piece. चलिए इसके बारे में, इसका structure कैसा है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये outermost layer जो है ये एक ही piece में नहीं रहता, क्योंकि ये गोलाकार है ना, तो फिर ये पीस पीस होके रहता है। जैसे आप कुछ ये ऐसा सोच सकते हैं कि जब एस्केलेटर में जाते हैं तो उसका कैसे फ्लैट फ्लैट पीस रहता है ना, वो सब जोड़ के एस्केलेटर होता है। ऐसे ही हमारे अर्थ क्रस्ट की बाहर जो हिस्सा है वो एक ही पीस में नहीं रहता, वो फ्रेगमेंटेड होता है। तो ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट, और प्रति फ्रेगमेंट को, भाग को, एक एक प्लेट प्लेट के हिसाब से रहता है। और ये जो प्लेट सारे हैं ये कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये सारे तो प्लेट रहते हैं, ये सारे प्लेट कंटिन्यूअस मोशन में भी रहते हैं, तो फिर ये अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो फिर यही मुश्किल हो जाता है। कैसा होता है? ए प्लेट गोज अंडर अनदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाए या फिर एक प्लेट अगर दूसरे प्लेट के नीचे आ जाए तो फिर ऐसे में डैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कॉलिजन हो जाता है। ड्यू टू कॉलिजन तो फिर दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, तो फिर ऐसे में अर्थ क्रस्ट हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज ऑफ एज एन अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो फिर इसी क्रस्ट के इसी प्लेट्स के डिस्टर्बेंस अगर कोई नीचे चला जाए, आपस में टकरा जाए, तो फिर ऐसे में ये अर्थक्वेक के रूप में हमको अर्थ सर्फेस में महसूस होता है। Although we know, ये देख पा रहे हैं आप, ये है वो डस्टिन, ये प्लेट्स ऐसे होके रहता है, ये अगर क्लाइड हो जाए तो फिर ये अवस्था होता है पृथ्वी के सरफेस के ऊपर, जो कि अर्थक्वेक बोलते हैं। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might be. तो फिर हमको ये पता चल गया है कि ये अर्थक्वेक इसी की वजह से होता है, पर फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि ये कब कहाँ होगा। ठीक है, ये कब होगा कहाँ होगा हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, अभी इस पार्ट में हम इतने पे स्टॉप करते हैं। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द थर्ड पार्ट। ओके, हेलो, विद दिस वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।
If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.